गाइस देखो मेरे को ये भाई हमारा सिलाया है अब इसके ऊपर ये वाले टैग में सो बोल रहा ये वाले में नहीं वो वाले में वो वाले मेरे ये वाले में मतलब वो थक जाता है ना और जैसे भाई का पैर दर्द नहीं करने लगता जैसे सो रहा था हमको देखो ये सो रहा है और जानते हैं जैसे मैं मतलब बैठा हूँ ठीक है भाई के ऊपर लेटा हूँ तो जैसे इसका दर्द दर्द होने लगता है ना ये वाले मैं बोले नहीं पा रहा हूँ बात गई यार तो मिलते हैं फिर हम लोग ऐसे मार दिख रहे बाबा देख देख बोल रहा है वाले टाइम में तो हे गाइस वेलकम बैक टू बुढ़ार वापस फाइनली हम लोग बुढ़ार पहुंच चुके हैं एक और नए जोश और जोश के साथ और हम लोग अभी पिकअप में ये देख सकते हैं सभी लोग यहां पे वो खड़ा है गलत कर रहा है और ये अमन प्रो है अपना और ये अपना बुढ़ार में एंटर हो रहा है ये बाईपास है जिसको शायद बाईपास बोलते हैं और मैं बाईपास के पास पहुँच गया हूँ और बाईपास के पास पहुँच गए और हम लोग जो लोग माइक को आ तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हम लोग गाँव घूम रहे हैं जो कभी देख रहे हैं हमको गजब का रिएक्शन आ रहा है और अभी ये जाएगा पता है कहाँ काम करने जाएगा जिसको बोलते हैं एक तो टाइटल नहीं आता ना टीवी में सब जानते हो धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धो सो हे गाइस वेलकम बैक नमस्ते गुड मॉर्निंग सभी भाइयों बहनों सभी को और आज का सीन ऐसा होने वाला कि हम लोग की आपको अगर नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके पहली बार देखोगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ क्या सीन हुआ था गाड़ी छूट गई थी जिसके कारण अब हम लोग को पिकअप में जाना पड़ेगा समझ रहे हैं और देखो थोड़ा नॉइज दो दो पीछे जो पिकअप विकअप दिख रही ना उसमें जाना और ये अभी जानते इसके हाथ में है बॉटल और ये जा रहा खेत कुछ तो समस्या होगी ना इसके साथ तो अभी हम लोग गांव भी ऐसे ही घूमते चलते हैं देखते हैं काशी पूरी का नाम महात्मा गांधी और अभी तो हम लोग ब्रश भी नहीं कर रहे हैं पर ठीक ही दिख रहे हैं समझ रहे हैं और घूम रहे हैं ऐसे ही तलाश में निकल गए हैं और देखते हैं क्या होता है इसको मिल पाता है नल की नहीं मिल पाता है अभी हम लोग को बहुत देर बाद एक नल मिला और वो देखो नल से पानी भर रहा है कोई देखेगा ना वो घर है सामने कोई देखेगा तो इसको बहुत डांटेगा और हमको पता नहीं कहाँ से ना बहुत धूप हो रही है तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हम लोग गाँव घूम रहे हैं जो कभी देख रहे हैं हमको गजब का रिएक्शन आ रहा है और अभी ये जाएगा पता है कहाँ काम करने जाएगा जिसको बोलते हैं एक तो टाइटल नहीं आता ना टीवी में सब जानते हो धोते जाओ धो और गाँव दिखाते हैं आपको जहाँ हम लोग हैं ये लोग कुछ सिनेमैटिक देखो समझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है तुम्हारा भाई नहीं जाएगा क्योंकि वो घर में जाता है ऐसे कहीं भी अमन के जैसे नहीं कि देखो कहीं भी कुछ भी अभी मान लीजिए कंप्रेसर बड़ा दिख रहा है मेरे को बहुत ज्यादा धूप लग रही है तो पता नहीं चल रहा है और वो चला गया अपनी मंजिल को भगवान जो उसकी मनोकामना है अभी उसको पूरा करे और अपन जो है घूम रहे हैं थोड़ा इंतजार करते हैं उसका अभी वो तो जा रहा है दिख रहा होगा शायद अभी भी चल रहा तो अभी हम जो है ना चलते हैं और आवाज़ आई हो क्लियर नहीं आती होगी पर जितनी आती है इस देखो माइक नहीं लाया था इसलिए प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चलता हूँ उसके बाद देखते हैं जैसे अमन आता ठीक है गाइस मैं जा ही रहा था तो मेरे अंदर जानते कुछ ना कुछ खुराफाती आइडिया आता है पर ये अच्छा आइडिया पता है देखिए तालाब ना पूरी तरह सूखा है इसीलिए गाइस आप जितना भी पानी आपको मिलता है तो उसको मतलब यूज कीजिए पर ज़्यादा व्यर्थ मत भाइए क्योंकि देख रहे नदी तालाब अपने सब सूखते जा रहे हैं अगर ऐसा होगा तो लोग कैसे रह पाएंगे और ये गांव में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या तो प्लीज़ सेव करिए पानी मतलब ज़्यादा आप कुछ मत करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका मतलब डेली यूज़ है उसमें थोड़ा सा कम करके अपने हिसाब से करिए तो कुछ शायद हो सके तो इतना ही बोलना था चलो आगे जो होता फिर दिखा देख पा रहा हो आप लोग चेक कर पा रहे हो अमन फाइनली वहां से आ चुका है बहुत इम्पोर्टेंट काम करके कसम से तबाही मचा के तो वो आ गया उसका रिव्यू लेते हैं कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा कैसा रहा तो अमन आप बताओ हमारी पब्लिक को फैमिली को कि क्या रहा आपका जहाँ तालाब भी सूखा था आप वहाँ हरियाली करने गए तो हरियाली हो भी गई सही है सो गाइस अब हम लोग ज़्यादा नहीं चाहते हैं और सीधे मेन टॉपिक पे आता है हमको खुद नहीं पता आज का सीन क्या होगा पर जो भी होगा तो अच्छा शूट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे ठीक है लव यू
विदाई उदाई हो रही, तो हम लोग अब ज्यादा बोल ना पाएंगे, सिनेमैटिक चलेगा ठीक है, और माइक अभी नहीं लगा इसलिए थोड़ी आवाज नॉइज ज्यादा आ रही है। तो अब हम लोग घर जाके अच्छे से आवाज क्वालिटी बढ़ाएंगे, और अभी सब लोग रो रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ वीडियो सिनेमैटिक चलेगा, फिर पिकअप। विदाई उदाई हो रही है, अब हम लोग निकलेंगे पिकअप में बैठेंगे, सब लोग रो हो रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पिकअप के ऊपर बैठ गए हैं, अब विदाई वाले मतलब पूरे लोग देख रहे हैं, तलाश है तेरे ये लात मारा। तो अब हम लोग निकलते हैं, उसके बाद एक से एक व्यू आएगा पता है आगे चल के, तो मिलते हैं। और सब लोग का रिएक्शन बजब था और मजा आ गया। शादी में हम लोग लेट जा रहे हैं तो ये ब्लॉग बन रहा नहीं बन पाता, समझ रहे हो। अभी सब घर में पहुंच गए जो रात में गाड़ी निकली थी, तो हम लोग भी निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं ठीक है, लव यू। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं, अब गो और घर का मालूम। सो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, लव यू बाबा। और सब लोग जा रहे हैं, अमन तक ले ले ले। सो गाइस यहाँ पे वो आ गया है जिससे कि हम लोग को नीचे उतार रुकावट ले भैया, ओम फोम देख सकते हैं। तो अब सब लोग नीचे बैठ गए, तुम्हारा भाई खड़ा है। जस्ट हम लोग समोसा वोसा खा के आए, इसलिए वीडियो नहीं बना क्या कि जल्दी जल्दी मिल ना रहा, मिल नहीं रहा था। गपा गप खाएं, अब हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो गई, और जानते उसमें बहुत धूप लग रही पिकअप में, और हम लोग नंगे पैर भी हैं। तो अब वहाँ चलते हैं, फिर अभी अच्छा अच्छा लोकेशन आएगा तो उसको शूट करके सिनेमैटिक डालेंगे। चलो मिलते हैं आगे। फाइनली हम लोग आ गए, हम लोग ठंडा लसाला ये हमको देते नहीं है, छुड़ा के ले लिया। अब पिकअप में हम लोग का किए पता, जो गद्दा था ना उसको ऊपर डाल दिए हैं और बढ़िया से बैठ गए, और पूरा फुल लग्जरी और सामने फुल जुगाड़। देखो सामने पूरा व्यू ले रहे हैं, अब बेहतरीन से पहुंचते हैं, और थक भी रहेगा यार। हाँ, ये सो जाएंगे, स्प्राइट मैं पीऊंगा पूरा। नहीं अभी हम पियेंगे स्प्राइट, पियेंगे उसका ब्लॉग नहीं दिखाएंगे, बाकी आप लोग सब पीते रहना। और ठीक है फिर कोई अच्छा सा लोकेशन आता शूट करके सिनेमैटिक आप लोग के लिए, जब तक मिलते हैं फिर चलो। हम लोग आ चुके हैं, और बहुत ही गजब की लोकेशन पीछे आ रही है, हरी भरी तो होगी, सिनेमैटिक में बढ़िया है का है। और स्प्राइट तो लिया, इसके बाद अगला ब्रेक होगा का, अब अगला ब्रेक अमर खर्चा कर रहा है, का खिलाएगा छोले कुलचे, छोले कुलचे। और अब ये सिनेमैटिक चेक करो आप लोग, समझ रहे हो, हम लोग देखो करता है एकदम धूप, मतलब जयकवार और BMW के बाद छोड़ देते हैं, गजब का व्यू आ रहा है। वो भी इनसे हम लोग से आइडिया लेके जाते करना का है सर। तो चलो व्यू ये लो। फुल टू मस्ती चल रही है यहाँ पर, ही गांव आने वाला है। और अमन 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 को देखो देखो आ ये बजरंग वाले सबको ये, और ज्यादा ही मजा आ रहा है कसम से, अगर रात को चले गए होते तो मजा बिल्कुल भी ना आता। अब बरी ही आएगा, बरी के लोगों जागो, तुम्हार काम आने वाला है हमारे चैनल में, चाचा अंदर कर लेना जल्दी देखिया। वेलकम टू माय चैनल इन योर विलेज। इंग्लिश बोला थे लड़का, पढ़े रहा मतलब पढ़े स्कूल गए रहो घर के, दिखाते। सो गाइस फाइनली अब बरही आने वाला, दिखाते बरही की जनता, फिर जब बड़ा ब्लॉगर बन जाऊंगा तो राइट निकला करूंगा, तो बुला ले करना, मीटअप कर ले करेंगे बरही में ठीक है। तो बरही दिखाते हैं, अंकल बहुत खुश हुए ब्लॉग में वीडियो में आके, बोलते मैं आऊंगा मैं देखूंगा जाके घर में। हाँ तो अभी देखो आवाज भी क्लियर नहीं है, तो देखो यार थोड़ा तो मैनेज आपको करना पड़ेगा, हम इतना मैनेज कर रहे हैं, देखो ना क्या हाल हो गया है बिहार। और हम लोग कैसे लग रहे हैं हम लोग को पता नहीं, जब एडिटिंग होगी तब पता चलेगा। और बहुत ही गजब सा सीन हो गया, पर ही आता उसके बाद दिखाते हैं आपको, फिर जैसे जैसा होगा चलते जाएंगे, अभी कुछ नहीं पता किसी को। पर ही है परी है। सो गाइस वो पीछे बोर्ड सा दिख रहा ना वो देखिए, वो परी है, परी निकल गए। गाइस परी के लोगों, हम थोड़ा सा जो ग्राम पंचायत टाइप का दिख रहा था वो परी गांव था, और गाड़ी बहुत तेज चल रही थी इसके कारण हम लोग नहीं सुन पाए। तो परी वालों सॉरी, और इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ना कसम से पूरा परी आके टूर मार देंगे हम। और अभी इतना ही रखते हैं, उसके बाद आगे जो सीन होता है फिर दिखाते हैं। लव यू परी वालों, बहुत प्यार आप लोग के लिए। तो गाइस देखो मेरे को ये भाई हमारा सुलाया, अब इसके ऊपर ये वाले टैग में सो बोल रहा,
वो वाले मैंने ये वाले में मतलब वो थक जाता है ना जैसे भाई का पैर दर्द नहीं करने लगता जैसे सो रहा था हमको देखो ये सो रहा है और जानते हैं जैसे मैं मतलब बैठा हूँ ठीक है भाई के ऊपर लेटा हूँ तो जैसे इसका दर्द दर्द होने लगता है ना ये वाले पैर बोले नहीं पा रहे तो मिलते हैं फिर हम लोग ऐसे मार दिख रहे बाबा देख देख बोल रहा है वाले टाइम में जा और हम लोग जो है माइक को बताओ क्यों आ कर रहा हूँ ये देखिए ये कड़ा है ना ये कड़ा जो है ना हमको मत टिका हूँ इस पे तो ये मेरे को लग रहा सो गाइस फाइनल नहीं अभी नहीं सो गाइस फाइनली अपना बुढ़ार जो है पहुंच चुके हैं अपन लोग समझ रहे हैं आप लोग सो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा है इंटरेस्टिंग हम लोग सोच अगर हम लोग रात को आ जाते ना तो उतना मजा ना आता आने यहां लगे सो गाइस अगर हम लोग रात को आ जाते ना उतना ज्यादा मजा कभी नहीं आ पाता बिल्कुल नहीं अभी तक घर में सो जो ये आप लोग एंजॉय देख रहे हो ना मतलब गजब सबसे बड़े पिकअप जो बड़े बात होते हैं समझ रहे हो मतलब हम लोग इच्छा करें कि हम रोटे चाय पानी क्या पिए ना सके बस सोचे बस अब 5 किलोमीटर मिल जाइए कि मतलब हम लोग करीब 150 किलोमीटर में 4 स्टॉप हुआ है हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे और आवाज में भी अगर आप लोग हमको प्यार और सपोर्ट देते हो और पीछे हम लोग बहुत ज्यादा ही कर रहा है क्योंकि रात लगा है और सही रहे और देखो सबसे हम लोग यहाँ की सबसे बड़ी होटल हो चुकी है दिख रही ना प्लाजा इंटरनेशनल मतलब आप यहाँ विदेश का भी पैसा लेके आओगे ना बाहरी डॉलर वॉलर तो यहाँ नोट चलेगी वो एक्सचेंज हो जाती है वहाँ सब पैसा मिलेगा ये नहीं कि तुम जैसे कहीं देश में पाकिस्तान में लिया है कहीं का भी लिया है जैसे थोड़ा सा भी हम लोग बाईपास से अंदर आए थोड़ा सा दूर है थोड़ा पास पहुंचते हैं सिटी के अंदर सिटी के अंदर पहुंचते हैं उसके बाद मिलते हैं ठीक है लव यू आर तुम्हारे भाई से अभी YouTube में पता आ गया है पर जो म्यूजिक आता है उसका अभी थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ जाता है इसलिए थोड़ा गाना सुनाने जाता हूं पर यार अगर आप लोग करो तो गाना गा के उसको अपने खत्म बनवा के गाना बनवा देंगे चाहिए और हम लोग गाते हैं ना ये तरफ अमन गाना गए थे कुछ भी कॉपीराइट नहीं कौन सा गाना लाली लाली लुगरा कुछ गाना कॉपीराइट नहीं उतना
तो गाइस देख रहे हो कुछ मतलब कुछ भी कुछ नया करना चाहिए। और ये जानते हैं ये पुल है मतलब हम लोग के घर से, देखो लीक हो रहा एड्रेस मैं बता रहा हूँ, पर आप लोग समझ जो समझदार हो वो आ सकता है। ये बुढ़ार का अबे ये क्या कर रहा हूँ। तो गाइस ये जानते हो ये रेलवे स्टेशन मतलब बुढ़ार स्टेशन है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो मैं पूरा लोकेशन तुम्हें दिखा सकता है, थोड़ा प्राइवेसी भी है और बार बार कुछ नहीं है, बहुत रीत मजा भी आ रहा, फील भी अच्छा आ रहा और देखो तुम्हारा भाई भी चल रहा है और पीछे पब्लिक। और फाइनली ये बुढ़ार जो आप लोगों को पीछे दिख रहा है ना, तो सो फाइन मतलब अपने जगह आने में ना हम लोग अगर हम लोग कार और जाते ना तो हम लोग की हालत डाउन हो जाती, पता नहीं क्यों, क्योंकि समझ रहे हो कार और में हालत डाउन हो जाती एकदम, वहाँ जो गर्म हो जाता पूरा सीन। और अभी हम लोग ब्लॉग के लिए मतलब सूरज भगवान भी जो थोड़ा डाउन हो गए, अभी समय करीब 1:30 बज रहा है और करीब 1:30 बज रहा है और उसके बावजूद भी पता है 1:30 बज रहा है उसके बाद भी मतलब मौसम इतना शांत हो गया कि हम लोग ब्लॉग शूट कर पा रहे हैं। ये गाना भी नहीं गा रहा है कि कॉपीराइट फ्री, अच्छा सा गाना तो कुछ इस प्रकार का सीन है। ओए 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 तो उड़ गए हम, उड़ गए हम। सावली सलोनी अदाय मन मोनी तेरी जैसे बीटी की हम लोग अगर गाने में आना अगर गाइस आप लोग ऐसा ब्लॉग पसंद आ तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पैसा आएगा तो फिर एक से एक राइड जाएंगे लद्दाख लद्दाख जाएंगे तो मतलब तबाही। चाचा जी हैं हमारे और इस प्रकार क्या है पूरा लोग देख देख के पसंद। देखो गाइस मेरे को पता नहीं मैं कैसा दिख रहा क्योंकि अभी हम लोग उतना कैमरे में हम लोग को दिख नहीं रहा है और समझ रहा है ना सीन को। और ये हम लोग के यहाँ जब से सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा चीज जानते हैं क्या, यहाँ NDC एक कॉलेज है हम लोग के यहाँ, तो वहाँ पे ये वाला व्यू चेक कीजिए आप लोग। ये आई लव जो हर जगह लिखा इंदौर जबलपुर बुढ़ार धनपुरी सड़ोल हर जगह ये जो भी सीन सोचा हो ना बढ़िया दिल से। अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरे घर के पास भी आई लव विकास हाउस लिखवा देते हैं दोस्तों यार, समझा करो। और हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखो इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहा हूँ, पैसा दे देना जो बड़ा चैनल होगा। और ये सबसे बड़ी मॉल बन रही है जो कि हम पिक्चर तो नहीं देखते, एक बार गया वो पुष्पा देखने और जानता 13 तारीख को विस्ट आई थी तो मैं सोचा रिलीज हुई है तो बढ़िया देखूँ। अरे गया तो आ रहा देख चुका था है एक बार देख लिया, तो फिर मैं कॉलेज उस दिन देखो झूठ नहीं बोलूँ पर आप लोग को बता उस दिन मैं कॉलेज से नहीं गया था, तो फिर मैं फिल्म देखने गया पता चला हिंदी में नहीं आई है यार, फिर मैं फिर RR को एक बार और लगवा दिया और मैं सो गया पूरी फिल्म देखते देखते, तो ऐसा सीन था। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए समझ रहे, पिकअप में रात को सोए थे, अगर आप लोगों को दिखाया हो तो नहीं दिखाऊँ तो रात को हम लोग पिकअप में सोए थे, हम लोग की गाड़ी छूट गई थी जैसा कि आप लोगों को पता है। और फाइनली अपना बुखार आ गया गाइस, हम लोग वीडियो को अभी एंड करने वाले हैं क्योंकि अब हम एंड करने वाले पूरी मजदूरी अब खत्म होती है फाइनली, क्योंकि अब हमारा लीट होता है क्योंकि अब हमारा घर आने वाला ना, तो सब अभी मजा ना आएगा ना वो लोग फिर गलत बोलते हैं समझ रहा हूँ ना आप लोग। अगर ये वीडियो बाहर मचा दो यार 1,000,000 लाइक करा दो, रिकॉर्ड तोड़ दो MP से बुढ़ार से बुढ़ार विकास में रागी ब्लॉग फैला दो, सब कोई के मोबाइल में कैमरा होगा। देख रहा तो सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो ऑल पे सेट कर दो ताकि जब भी हम वीडियो मारो और जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंचे। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा दिल से और लव यू। और हम लोग का घर आ चुका मैं बता नहीं सकता हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।
ना बोल अब ना बोल अब आज ना ये भाई मां ये ट्यूनिंग चल ना रे कौन ने ये दूल्हा होला कहां जा रहे हो बस बरात चली आ आ दीदी वाला है वो ऊपर के लाओ किया वीडियो बन रही है भागा यार ये तो बोले भाभी जी आ गई हैं जी।